आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडा फ्राई। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है बनाने की और बहुत ही स्वादिष्ट टिंडा फ्राई बनता है। इसे आप रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। टिंडा को आप मार्केट में आसानी से ला सकते हैं और अपने किचन में टिंडा फ्राई आसान विधि से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडा फ्राई। ये देखिए, जिसके लिए हमने आधा केजी टिंडा लिया है, एक साइज का कच्चे टिंडे। और देखिए जो अन्य सामग्री चाहिए, देखिए इस प्रकार से है। 8-10 कलियां लहसुन की, जिनको ग्राइंड कर लिया है। 2 प्याज, जिनको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और 2 टमाटर, जिनको बारीक टुकड़ों में काट लिया। और 2 हरी मिर्च, जिनको टुकड़ों में काट लिया है। और 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी चुटकी भर हींग और सरसों का तेल काम में लेंगे। देखिए, सबसे पहले टिंडे को इस प्रकार से छील लेंगे, क्योंकि ऊपर का भाग जो हार्ड होता है उसको अलग कर देंगे। बहुत ही कच्चे टिंडे हैं ये। देखिए दोस्तों, सभी टिंडों को इस प्रकार से एक करके एक ऊपर से बारीक सा हटा देंगे इसका, और आगे पीछे का हार्ड भाग है उसको अलग कर देंगे और इस प्रकार से इनको छीलेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से पतले हिस्सों में लंबे लंबे पीस बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी टिंडों को इस प्रकार से लंबे भागों में काट लेंगे। ये देखिए, गैस ऑन कर दिया है और पैन में तेल डालेंगे। पहले टिंडों को फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार तेल ले लेंगे काम में, इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हींग डालेंगे और इसके बाद कटे हुए टिंडे डालेंगे। झट से हल्के हाथ से इनको चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। गैस का फ्लेम वो जो मीडियम रखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से फ्राई किए हुए टिंडे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। ये देखिए दोस्तों, टिंडों को हल्का भूरा होने तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे। चम्मच को इस प्रकार से घर को चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। ये देखिए दोस्तों, टिंडे जो हल्के भूरे होने लगे हैं, 1-2 मिनट के बाद में इसको टिशू प्लेट निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, टिंडों का कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसको अखबार निकालेंगे ताकि इसका जो तेल है वो अच्छे से अखबार सोख ले। ये देखिए, इस प्रकार से घर की सहायता से निकालना चाहिए। जो तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, वो बाद में काम में लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो तेल बच गया है उसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्च, इनको अच्छे से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम जो मीडियम रखेंगे दोस्तों ताकि लगे नहीं। टिंडा फ्राई बहुत ही अच्छी टिंडा फ्राई बनेगी दोस्तों, होटल जैसी टिंडा फ्राई। प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, घर से इस प्रकार से चलाते रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, प्याज जो ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से मिलाएंगे और लाल मिर्च, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद टमाटर, ये देखिए, इन सबको अच्छे से मिलाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिंडा फ्राई बनेगी। ये देखिए, आप इसे घर पर आसानी से होटल जैसी टिंडा फ्राई बना सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मसाला जो तेल छोड़ने लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। बहुत ही अच्छा
प्याज और मसाला है जो पका है। अब इसमें जो अखबार में जो टिंडे फ्राई किए थे वो डालेंगे। ये जो एक्स्ट्रा तेल था वो अखबार ने सोख लिया है। अब इनको अच्छे से मसाले में मिला देंगे। बहुत ही अच्छी टिंडे फ्राई बनेगी दोस्तों, होटल जैसी। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर दिखाई देने लगा है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अगर दोस्तों आपको मेरे ये टिंडा फ्राई बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, अब इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे जो मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ढक्कन हटाकर देखते हैं 2-3 मिनट के बाद में। अच्छा टिंडा फ्राई बनकर तैयार हुआ है। अब गैस बंद कर देंगे और 5-10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। इसे आप रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में खा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है दोस्तों बनाने की, कुछ मिनटों में आप अपने किचन में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से टिंडा फ्राई हुआ और अब इसे आप रोटी, परांठे या पूड़ी के साथ में इसका आनंद उठा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको टिंडा फ्राई बनाने की ये विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी आपको समय पर मिले। अच्छा, धन्यवाद।